फ्रैंकलिन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था गाइस कि किलर गाड़ी ही सिंचन के जान के पीछे पड़ी है। और फिर सिंचन ने यह साबित करने के लिए किलर कार के सामने खड़ा कर दिया फ्रैंकलिन को। और फिर फ्रैंकलिन को वह गाड़ी बहुत ही बुरी वाला टक्कर मार मार के पूरा हाल कर दिया और उसके पीछे लग गई बिल्कुल हाथ धो के। और फिर वह गाड़ी पता नहीं किधर को चली गई। अभी उस गाड़ी को देखते हैं गाइस, वो गाड़ी कहाँ चली गई है। वो पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर से देखना गाइस और सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे न्यू आए हो तो। अल गाइस, तुम लोगों ने देखा था कि किलर कार कितनी ज्यादा आतंक मचा रही है। और वो किलर कार गाइस मेरे ऊपर कितना तगड़ा हमला किया था उसने। और फिर मैं गाड़ी लेके जैसे तैसे तो बच गया हूँ, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा चोट आई है और सिंचन को भी चोट आई है। लेकिन गाइस वो किलर कार किधर चली गई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको तो ढूंढना पड़ेगा यार सिंचन। अरे सही बोल रहे हो फ्रेबे यार, उसको नहीं ढूंढा तो वो बहुत सारे लोगों की जान ले लेगी। अरे सही बोल रहे हो यार, कैसे ढूंढने जाए, हमारे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है। अरे मिस्टर शर्मा की गाड़ी देखो होगी। मिस्टर शर्मा के पास तो गाड़ी है। चलो 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 निकालते हैं इसे, बैठो सिंचन जल्दी से चलते हैं गाइस, देखते हैं कि सिटी में इसको क्या चल रहा है। वो किलर गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जैसे उसने मेरे ऊपर हमला किया था ना गाइस, वो किसी को छोड़ने नहीं वाली है ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं यार। ओह नो, पहले दिन ऐसी जगह ड्यूटी लगा दी जहाँ पे इतना बड़ा ट्रैफिक। अरे किस बात का ट्रैफिक लगा रखा है तुम लोगों ने इतना बड़ा। और सर देखिए ना, पता नहीं कौन बंदे ने अपनी गाड़ी को बीच रास्ते में खड़ा करके चला गया है। अरे तो तुम लोग साइड से क्यों नहीं निकल जाते पागलो, वैसे भी किसकी गाड़ी है, किसकी जरूरत हुई बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करने की। कौन है इस गाड़ी का ओनर, सामने आओ वरना उसे जेल में डाल दूंगा और साथ ही साथ गाड़ी को भी। कौन है, अरे बताओ तो सही। कोई भी नहीं है इस गाड़ी का ओनर, मुझे लास्ट बार पूछ रहा हूँ वरना इस गाड़ी को मैं सीज करने वाला हूँ अभी के अभी। अरे किस पागल ने बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी कर दी, अभी के अभी बुलाता हूँ टो ट्रक। अरे बाप रे, ये कौन है पागल गाड़ी, कौन चला रहा है गाड़ी को। अरे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ, अरे ये क्या गाड़ी तो हमारे ऊपर चढ़ गई। अरे बाप रे, ये गाड़ी तो पागल हो गई है। अरे ये गाड़ी है कि क्या है, बिना मतलब के हमें टक्कर मार के चली गई। अरे सर जी, गाड़ी चली नहीं गई, अरे गाड़ी आ रही है सर। अरे मार डाला रे, अरे कोई तो बचाओ इस गाड़ी से। अरे ये गाड़ी तो पागल हो गई है, बिना ड्राइवर के ये कैसे चल रहा है। मार दिया रे मुझे। अरे ये गाड़ी के अंदर बैठा कौन है, अरे इस गाड़ी के अंदर तो कोई नहीं है, गाड़ी चला कौन रहा है, ये इतने लोगों की मर्डर कर रही है, आखिर कौन चला रहा है इस गाड़ी को, गाड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं है। ये क्या बला है, इसने तो कमर तोड़ दी, आखिरकार ये गाड़ी चला कौन रहा था, बिना ड्राइवर के यह गाड़ी इतनी बड़ी तहलका मचा के चली गई, कितने लोगों की जान ले ली इस गाड़ी ने, आखिर किसकी गाड़ी थी यह मनहूस कार। अरे यार गाइस, ये गाड़ी चली कहाँ गई। अरे यार, ओ शिट शिट शिट, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने किसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। अरे फेवे, वो तो ऑलरेडी मरा हुआ था। मरा हुआ था, अरे हाँ यार, ये पे देखो पता नहीं क्या हुआ है। अरे गाइस यहाँ पे क्या हुआ, अरे अरे ये तो ऑफिसर, अरे ऑफिसर यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। अरे तुम भी मुझे मारने आए हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। अरे वो तो नजर आ रहा है ऑफिसर, लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। अरे कोई पागल गाड़ी ने बहुत सारे लोगों को मार दिया और टक्कर मार मार के गाड़ियों को भी फोड़ दिया। क्या, किसी गाड़ी ने। अरे हाँ, बहुत ही खतरनाक गाड़ी थी, किसी को भी नहीं छोड़ा, और तो और गाड़ी के अंदर कोई बैठा भी नहीं था जिसे मैं पकड़ सकूं। क्या, गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, वो गाड़ी तो। क्या तुम्हें पता है वो गाड़ी किसकी थी। अरे नहीं ऑफिसर, आप अपना काम करो, मैं निकलता हूँ यहाँ से। अरे गाइस, ये गाड़ी क्या कर रही है, अगर लोगों को पता चल गया कि ये गाड़ी मेरी है तो मैं तो फंस जाऊंगा पुलिस वालों के चक्कर में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन भैया, आप एक काम कर सकते हो, आप अपने दोस्तों से बात करके देखो। दोस्त मैं, मेरा दोस्त तो सबसे फेवरेट दोस्त तो माइकल है, मैं माइकल से बात करके देखता हूँ यार, माइकल को बताता हूँ इसके बारे में, शायद वो मेरी हेल्प कुछ कर पाए। माइकल का नंबर कहाँ गया।
काश कि माइकल के पास कोई उपाय होता इस गाड़ी से छुटकारा पाने का, और वैसे भी इस गाड़ी को तो मैंने ही जिंदा किया है। अरे माइकल। अरे बोलो यार दोस्त, तुम कहाँ पर हो? अरे यार मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। अरे क्या हो गया यार? अरे यार तुम कहाँ मिलोगे पहले ये बताओ मुझे। साइमन के शोरूम पे तो आया था उसकी शोरूम खरीदने के लिए। अरे ठीक है तुम वहीं पे रुको, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अरे हुआ क्या, इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अरे गाइस पहुँच गया, ये रहा माइकल, सुन मेरी बात। अरे क्या हो गया, इतनी ज्यादा घबराए हुए क्यों हो तुम? अरे यार एक किलर कार है जो पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में सबको मारना चाहती है, और वो मुझे भी मारना चाहती है, इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? अरे हाँ न्यूज में देखा, इतने लोगों की जान ले ली उस गाड़ी ने, वैसे तुम्हें क्यों मारना चाहती है वो? अरे इसलिए क्योंकि उस गाड़ी को कुछ दिन पहले मैं ही लेके आया था घर। क्या तुम ही उस गाड़ी को ड्राइव करके लोगों को मार रहे हो? अरे नहीं, मैं कुछ दिन पहले पार्टी से घर आ रहा था, और फिर रास्ते में मुझे वो गाड़ी नजर आई थी। मैंने आसपास सबको देखा लेकिन कोई वहाँ पे नहीं था जो उस गाड़ी का मालिक हो, और फिर उस लावारिस गाड़ी को मैं उठा के अपने घर ले आया अपने सिंचर और चॉप को सरप्राइज देने के लिए, और फिर उस गाड़ी ने हम सब पे हमला किया, यहाँ तक कि मुझे तो बहुत ज्यादा चोट पहुँचा दिया था। क्या अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, कोई बिना ड्राइवर के गाड़ी किसी का एक्सीडेंट कर सकती है। और वो गाड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो गाड़ी किसी को भी गांव के घाट उतार सकती है, और वो यहाँ पे पहुँच गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। माइकल मैं तुमसे हेल्प मांगने के लिए आया हूँ, कुछ कर सकते हो क्या? ठीक है यार, देखो वो गाड़ी आती है तो हम लोग कुछ प्लानिंग बनाएंगे। अरे गाइस वो आ गई। अरे बाप रे, ये गाड़ी तो मेरे ऊपर अटैक कर दिया सीधा। अरे गाइस मेरे ऊपर भी कर दिया। अरे ये गाड़ी कब आ गई? अरे इससे तो बचना ही नामुमकिन है। अरे मार दिया मुझे भी। अरे गाइस ये गाड़ी तो आती ही हम सब पे अटैक कर रही है। अरे गाड़ी तेरी तो। अरे माइकल यार कुछ करो। अरे क्या करो फ्रैंकलिन? अरे मैं जो कर रहा हूँ वही तुम भी करो, इसको गोली मारो। अरे फ्रैंकलिन मुझे भी तो अभी भी नहीं बिलीव हो रहा है कि ये गाड़ी के अंदर कोई नहीं है, लेकिन अब लग रहा है ये गाड़ी के अंदर कोई नहीं है। तू मेरे दोस्त पे ऊपर अटैक करेगी गंदी गाड़ी, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मारो गाइस इसे, बच के भाग नहीं पाई ये गाड़ी, आज इसको फोड़ डालना है, ये काफी ज्यादा खतरनाक किलर कार है, ये गाइस बच के भाग नहीं पाए माइकल। अरे वही तो दोस्त, इसे छोड़ेंगे नहीं आज। अरे लेकिन गाइस ये गाड़ी को कुछ होता क्यों नहीं है? इस गाड़ी पे तो मैं कितना ज्यादा आरपीजी मार रहा हूँ। अरे यार माइकल कुछ तो करना पड़ेगा, इस गाड़ी को किसी चीज से हम लोग को बंद करना पड़ेगा माइकल। ऑलराइट यार मेरे पास एक प्लान तो है, लेकिन ये गाड़ी वहाँ पे पहुँचेगी तब ना। ये ले। अरे माइकल यार तुम ऐसे ही इसके ऊपर अटैक करते रहो, इसको छोड़ना नहीं, ये गाड़ी रुक गई तो अब मैं से किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे ये गाड़ी तो यार सिंचन के ऊपर अटैक करने वाली है। अरे कुछ करो माइकल, कुछ करो, जल्दी करो। अरे रुको यार, अभी करता हूँ, इसे कैद कर देता हूँ अब। अरे क्या करने वाले हो, जल्दी करो। अभी देखो क्या करता हूँ, ये ले गाड़ी ये ले। अरे ये केज उतर क्यों नहीं रहा, हो गया काम। अरे यार हो गया, ये कैसे किया तुमने माइकल, ये गाड़ी को तो कैच कर दिया तुमने। अरे भाई तो इसी दिन के लिए तो इतनी बड़ी केज को मैंने आसमान के ऊपर लटका के रखा था कि अगर कोई चोर आएगा मेरी गाड़ी चुराने तो इस केज के अंदर उसे बंद कर दूंगा, लेकिन ये डीलरशिप खरीदने के बाद ये इस गाड़ी को कैद करने के काम आ रही है। अरे वाह यार, अब गंदी गाड़ी अब कुछ करके दिखाओ तुम, ये देखो अभी मैं इस गंदी गाड़ी के साथ क्या करूंगा, ये गाड़ी को तो चारों तरफ से बॉम्ब लगा के फाड़ देता हूँ, और फिर ये गाड़ी इसी के अंदर कैद रहेगी। ये फायर कर दिया मैंने। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, अरे यार क्या कर दिया, गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया और क्या। अरे गाइस माइकल तुम्हें पता नहीं है, ये गाड़ी अपने आप ही रिपेयर हो जाती है, और इसका गाड़ी को तो मैंने आजाद कर दिया। अरे ऐसे कैसे आजाद कर दिया, छत पे जाके देखो, गाड़ी वहीं पे पड़ी होगी अभी भी, कोई गाड़ी कैसे रिपेयर हो सकती है अपने आप। अरे गाइस कर दिया काम मैंने, इतनी बड़ी गड़बड़ ये गाड़ी ऊपर हो ही नहीं सकती,
अरे यार गाइस, गाड़ी को आजाद कर दिया, इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। यहाँ पे देखो माइकल, गाड़ी नहीं है। अरे यार गाड़ी तो नहीं है सच में, ये गाड़ी अपने आप ही कहाँ गायब हो गई। अरे गाइस, वो गाड़ी आत्मा से चलती है और मैं तो भूल ही गया था, और उस गाड़ी को मैंने आजाद कर दिया। मेरी फटी किस्मत, वो गाड़ी भी ब्लास्ट होके आसमान में चली गई। अभी पता नहीं क्या होगा। चलो गाइस यार, अब जो होगा ऊपर वाले के हाथ में है और उस गाड़ी के हाथ में, उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग अगर चैनल पर न्यू हो तो, और लाइक जरूर करना। बाय बाय गाइस।